सम्मानों की जो बैठक हुई उसमें मैंने जो बोला आपने उसको सुना नहीं? सुना, सुना था। तो हमने उनको कहीं कहा कि आपको कांग्रेस ने ठगा कि लालू ने ठगा? हमने उल्टी बात कही। हमने ये कहा कि आपको कांग्रेस ने नहीं ठगा, आपको लालू जी ने नहीं ठगा, आपको किसी दल ने नहीं ठगा, आप इसलिए इस पदहाली में हैं क्योंकि आपके कुरान में ये बताया गया है, पैगंबर साहब ने बताया है कि अगर जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं होगी उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। तो अगर आज का हुक्मरान, आज का शासक आपको जालिम दिख रहा है तो जो बात पैगंबर साहब ने बताई है उसको पढ़ो। पैगंबर साहब की बात बताई गई है तो गलत तो हो नहीं सकती है। तो अगर आप गलत लोगों को रहनुमा बनाओगे, किसी को हराने के लिए चोर बदमाश डकैत को वोट दोगे तो आपके ऊपर जाली हुक्मरान तो आएंगे ही आएंगे। आप पहले हम जो कहे तो सुने नहीं। देखिए, बिहार के समाज में बहुत विद्वता है लेकिन यहाँ का जो सामाजिक राजनीतिक ताना बाना है, अब बुरा नहीं मानिएगा, चाहे पत्रकार हो कि पॉलिटिशियन हो, ये आप लोग भी पढ़ना लिखना बिल्कुल छोड़ दिए, सीधा आए जो मन में बाहर तो प्रशांत किशोर को तो घेरिए देंगे, ना घेर पाइएगा। हम लोग सरस्वती के उपासक है, नहीं घेर सकते हैं आप। रात दिन मेहनत करके पढ़कर पहुंचे हैं यहाँ, बहुत समाज का में रगड़ कर 20 बरस रात दिन 16 घंटा मेहनत करके पहुंचे हैं। किसी का दिया हुआ नहीं खाते, किसी का दिया हुआ एक कप चाय भी नहीं पीते और रोज सीखने का प्रयास कर रहे हैं। सब जानने समझने के बाद भी गांव गांव जाकर हाथ जोड़कर लोगों से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी दुर्दशा क्यों है। हमने आपको शुरुआत में बताया कि पलायन बेरोजगारी के बारे में जो हमारी समझ थी, जब 5300 गांव में पैदल गए तो समझ में बेहतरी हुई है। आप कुछ सीखिएगा नहीं, प्रयास कीजिएगा नहीं, बैठे हुए समझ रहे हैं कि हम ही बहुत बड़े विद्वान हैं। प्रशांत किशोर को सफलता इसलिए मिली है 10 बरस में कि रात दिन सीखने की प्रवृत्ति है, गुस्सा नहीं रहे, गुस्सा इस बात से रहे हैं कि जिस समाज में इतने विद्वान लोग हैं वहां का पत्रकार भी ये नहीं पूछता है, इतने पत्रकार हैं कि भाई पूंजी का पलायन भी कोई विषय है क्या, सीडी रेशियो भी कोई चीज है, या आपने कभी पूछा? कोई फाइनेंस मिनिस्टर मुख्यमंत्री ने बताया कि ये क्या होता है सीडी रेशियो, कि बैंक यहाँ से 26 लाख करोड़ रुपया भेजा है, आप फाइनेंस मिनिस्टर को बुला के पूछे क्या ये होता क्या है, ये क्या होता है सीडी रेशियो क्या होता है? तो जब ये आपकी भी जिम्मेवारी है ना भाई, आप भी सवाल वो पूछिए। यहाँ नेता भी लंपटाई बतियाता है और पत्रकार भी वही पूछ रहा है और जनता भी वही सुनना चाहती है। खाली लंपटाई की बात मत कीजिए, आपने सवाल पूछा हम आधा घंटा आपको समझाएंगे, तथ्य से जो हमने बोला उसको काटिए, हम बिल्कुल आपकी बात मान लेते हैं। सुनो, जैसा कि आपने कहा आपको आंकड़ा दिए।